एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी बीबी रहते थे। लकड़हारा स्वभाव से लालची था, जबकि उसकी बीबी अच्छे स्वभाव की महिला थी। लकड़हारा लकड़ी से खिलौने, अच्छे अच्छे गुलदस्ते और भी कई तरह की चीजें बनाकर अपने घर का गुजारा चलाता था। इससे वह संतुष्ट नहीं था, वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। एक बार उसने कुछ लकड़ी के खिलौने बनाए, जिसे बेचने के लिए वो शहर चला गया। उसे अब की बार अपने खिलौनों का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला दाम ही मिला। उसने उसी दाम में अपने सभी खिलौने बेच दिए। खिलौने बेचते बेचते शाम हो गई। घर जाने के लिए उसको एक सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में लकड़हारे को एक पेड़ के ऊपर एक जिन्न नजर आया। पहले तो वह जिन्न को देखकर डर गया, लेकिन तभी उसको अपनी दादी की बात याद आई, जो उसको जिन्न के बारे में बताती थी। जिंदगी छोटी यदि हाथ में आ जाए तो वो सब इच्छा पूरी कर देता है। लकड़हारे को एक तरकीब सूझी और उसने जिन्न को बोला, मुझे एक परी मिली थी, वो एक जिन्न से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो उसी जिन्न से शादी करेगी जिसकी चोटी एक हाथ लंबी हो। लकड़हारे की बात को सुनकर जिन्न बहुत खुश हुआ और लकड़हारे के पास आके बोला, मेरी एक हाथ लंबी चोटी है। इस पर लकड़हारा बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ लंबी है। जिन परी से शादी करने के चक्कर में लकड़हारे को अपनी चोटी दिखाने लगा। तभी लकड़हारे ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। जिन बोला, ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे गुलाम बना लिया। हाँ, मैंने तुम्हारी चोटी लेने के लिए ही तुमसे परी वाली बात बोली थी, अब तुम मेरी सारी इच्छा को पूरा कर दो। जो हुक्म मेरे आका। लकड़हारा बोला, मेरे घर को बड़े आलीशान घर में बदल दो, मेरी बीवी को गहनों से लथपथ कर दो, हमारे घर में बहुत से हीरे जवाहरात रख दो। जो हुक्म मेरे आका। लकड़हारा जब अपने घर पहुंचा, पहले तो वो पहचान ही नहीं पाया कि ये उसका घर है। उसने पलट के देखा तो उसकी बीवी दरवाजे पे ही खड़ी थी। घर के अंदर जाके देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। उसकी बीवी को किसी को कैद करना अच्छा नहीं लगा। लकड़हारे ने जिन की चोटी को घर के एक खिलौने के अंदर बॉक्स में छुपा के रख दिया और बॉक्स को अलमारी में रख दिया। इसके बाद लकड़हारा और उसकी बीवी के दिन पूरी तरह से बदल गए। जमींदार की बीवी और अन्य गांव की महिलाएं लकड़हारे की बीवी के गहने देखने के लिए आने जाने लगी। कुछ दिनों बाद दिवाली आने लगी तो लकड़हारे की बीवी बोली, सुनो जी, घर की साफ सफाई कर लेते हैं। लकड़हारे ने कहा, हमको घर की साफ सफाई करने की क्या जरूरत है, ये काम तो हम जिन्न से करवा सकते हैं। इसके बाद उसने ताली बजाई और जिन्न हाजिर हो गया। लकड़हारे ने जिन्न को पूरे घर की सफाई करने को बोला। इसके बाद जिन्न घर की सफाई करने लग गया। घर की सफाई करते हुए वो खिलौने वाला बॉक्स गिर के खुल गया और जिन्न की चोटी बाहर निकल गई। जिन्न ने चोटी को उठा लिया। शोर सुनकर लकड़हारा और उसकी पत्नी भी कमरे में आ गए। जिन्न बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेकर मुझे गुलाम बना लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी पहले जैसी हालत थी वैसी ही कर दूंगा। ये कहकर जिन वहां से चला गया
और लकड़हारे का घर वैसा ही हो गया जैसे पहला था। उसके सारे गहने, जवाहरात, पैसे, जो भी कुछ उसने जिन से लिया था, सब चला गया। उसकी बीवी बोली, कभी भी किसी के साथ छल या कपट नहीं करना चाहिए। छल कपट से ली गई चीजें जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। आपके हाथ में खिलौने बनाने का हुनर है, आप फिर से खिलौने बनाइए। लकड़हारे को ये बात समझ आई और वो ईमानदारी से खिलौने बनाने लग गया।